हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और काउंसलिंग से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप सबके लिए। जो भी स्टूडेंट अभी अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका हरियाणा की जो काउंसलिंग है, जिसको हम HSTS की काउंसलिंग बोलते हैं, और ये जो बोर्ड है हरियाणा का, हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, ये हरियाणा के गवर्नमेंट और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में या जो भी आपके स्टेट लेवल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन प्रोवाइड कराने का काम करती है। और इसके थ्रू आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस और यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन मिलता है। तो सिमिलरली जैसे आपका यूपी में AKTU की काउंसलिंग है, अलग अलग स्टेट में MP में MPDT की काउंसलिंग है, पंजाब में PTU की काउंसलिंग है, राजस्थान में रीप की काउंसलिंग है, सिमिलरली आपका हरियाणा स्टेट के लिए HSTES की काउंसलिंग है। अब जो भी स्टूडेंट यहाँ हरियाणा स्टेट से आने वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए काउंसलिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अदर स्टेट से भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के दो सबसे बड़े फायदे हैं, दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। पहली चीज, यहाँ का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है, जो भी स्टूडेंट का परसेंटेज 50 से भी नीचे है, अगर आपका 10+2 में 50 से भी कम परसेंटेज है, तो भी आप हरियाणा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो, एलिजिबिलिटी 12th में सिर्फ इन्होंने बोला भैया आपका, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हो, आप SC ST या किसी ऐसे कैंडिडेट हो, तो 40% मार्क्स पे भी इन केस ऑफ रिजर्व कैंडिडेट बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, तो आप यहाँ पे 40% मार्क्स पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट हमारे अनरिजर्व्ड हैं उनके लिए 45%, या जो जनरल कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए 45% मार्क्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, जो कि अपने आप में बहुत कम परसेंटेज है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जोसा में नहीं बैठ पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग काउंसलिंग में जहाँ पर 60% वाला क्राइटेरिया है, कुछ जगह पे आपको 60% लाना कंपलसरी है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका परसेंटेज 45 से लेकर के 60 के बीच में 12th में, जबकि JEE में अच्छा है, JEE में हो सकता है आपका 90 हो या 90+ हो। ठीक है, अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन है तो हरियाणा की काउंसलिंग में भी आप कुछ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो। अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कॉलेजेस हैं, ये आपके कुछ मेन कॉलेजेस हैं, टॉप 5 कॉलेजेस हैं जिनमें आप डेफिनेटली अदर स्टेट से अगर आप आ रहे हो तो इन कॉलेजेस को आप टारगेट करो। कुछ आपके और एक दो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में जिनको आप कंसीडर कर सकते हो, बट ओवरऑल जो टॉप 5 कॉलेज हैं वो ये कॉलेज हैं, जिनमें से एक आपका YMCA फरीदाबाद है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, डिक्रस्ट सोनीपत है, दीनबंधु छोटू राम के नाम से इसको जाना जाता है, दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करके है, UIT कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग है वो UIT कुरुक्षेत्र के नाम से, इसमें भी आप जा सकते हैं। GGU हिसार का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और एक आपका लास्ट MDU रोहतक। कॉलेजेस आपके बहुत सारे हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जो टोटल कॉलेजेस की लिस्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। लेकिन इसके अलावा ये जो कॉलेज हैं ये आपके टॉप 5 कॉलेज हैं, जिनमें अगर आप जाते हो तो आपको एक ठीक ठाक सा प्लेसमेंट और कम फीस में आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल पाएगा। ठीक है, फीस तो लगभग एवरेज में वही रहने वाली है, 70-80 के अराउंड आपका फीस तो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज में भी। ठीक है, अगर इससे नीचे का कॉलेज ले रहे हो तो इसके पैरेलली आपको ये देख लेना है कि अगर कोई आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग में आप जाने वाले हो, चाहे HSTES हो, AKTU हो या किसी अदर स्टेट में आप ले रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है कि टॉप गवर्नमेंट में अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा सेकंड ऑप्शन आपका टॉप प्राइवेट कैटेगरी का ऑप्शन होना चाहिए। नीचे के बहुत ज्यादा नीचे के गवर्नमेंट कॉलेज या लोअर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना है आपको। अब यहाँ पर हमारा इनका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इनका स्टार्ट हो चुके हैं, तो क्या क्या डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब से कब तक आपको अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है हरियाणा की काउंसलिंग में, तो कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, फिर च्वाइस फिलिंग होगा। तो ये काउंसलिंग मेनली आपकी 2 राउंड्स में होने वाली है, ये आपका कंप्लीट शेड्यूल है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से अपना आप शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट्स की बात करें तो इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 29th of May 29 तारीख से इनका रजिस्ट्रेशन, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक अवेलेबल है। नेक्स्ट ये रजिस्ट्रेशन चलने वाला है 24 जून, तो लगभग 24 जून तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा, देन आपका फीस डिपॉजिट करना है, फीस लास्ट डेट जो है वो सेम 24 तारीख लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करने की, फिर आपका वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 30 तारीख से, मतलब पैरेलली आपका इधर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे और यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट लाइक AKTU, जैसे आपका AKTU की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और दोनों चीजें पैरेलली चलती है, वैसे यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन भी साथ साथ में आपका स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और वेरिफिकेशन की लास्ट डेट है 23 तारीख। तो जो भी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप लोग इन डेट्स के अकॉर्डिंग पोर्टल पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगर किसी कॉलेज के बारे में आप इन डेप्थ में रिव्यू जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, या हमारी टीम के दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे भी कॉल करके आप फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, कितने कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये सारी चीजें आपको टीम से हेल्प में मिल जाएंगी।
अब यहाँ पर मेनली आपके दो राउंड्स होने वाले, ठीक है, बहुत ज्यादा राउंड्स नहीं है, 4-5-6 राउंड नहीं होंगे, 2 राउंड होंगे, इसके बाद स्पॉट राउंड होगा। स्पॉट राउंड के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे यार अलग अलग सबकी काउंसलिंग भी होती है। अगर बात करें कि जो आपने कॉलेजेस देखे हैं, ठीक है, YMCA डीक्रेस्ट, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, GGU हिसार, MDU रोहतक, ये लोग अपना बाद में अलग से भी फॉर्म निकालते हैं। तो इनके आप अगर मेन राउंड्स में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है और ऑन टाइम, जैसे आपको YMCA का अगर अलग से कोई एप्लीकेशन फॉर्म आता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अलग से होती है, तो ये कुछ सीट पे अलग से भी बाद में काउंसलिंग लेंगे क्योंकि 2 राउंड में इनके एडमिशन फुल हो नहीं पाते। बच्चे बहुत सारे होते हैं लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जो भी पॉलिसीज और रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2 राउंड में बहुत सारी सीटें होंगी। CSE और IT जैसी ब्रांचेज में भी सीट्स आपको लास्ट में वैकेंट मिल जाते हैं, तो इनमें आप जाके ऑनलाइन के साथ साथ आगे की ऑफलाइन काउंसलिंग में भी आपको पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकली कैंपस में जाके इनरोल होना होता है लेकिन उसका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। तो आगे इसके रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो आगे हम लोग जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर हम बात करें च्वाइस फिलिंग, तो पैरेलली आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा होगा, इधर आपका वेरिफिकेशन भी सेम डेट्स पे हो रहा होगा, इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर च्वाइस फिलिंग का भी ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन भी आप बाद में कर पाएंगे लेकिन च्वाइस फिलिंग स्टार्ट होने से पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें। इसका प्रोसेस ये कि पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके बाद च्वाइस फिलिंग करें, फिर आपको आगे च्वाइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट और कॉलेज का कंफर्मेशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 19 जून से आपका च्वाइस फिलिंग का भी पोर्टल ओपन होगा, 24 जून आपकी राउंड वन के लिए, ये काउंसलिंग नंबर वन जो आप देख रहे हो ये राउंड वन है, राउंड वन में आपका कॉलेज फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको अपने जो भी ऑप्शंस फिल करने हैं, YMCA फरीदाबाद लेना है, दिक्रस्ट में जाना है, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के ऑप्शन आपको डालने हैं उनको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और ये आपका चलेगा 24 तक। फिर आपका च्वाइस लॉकिंग होगा, 19 के 24 के बीच में आपकी च्वाइस लॉकिंग भी हो जाएगी। सिमिलरली आपको सेम टाइम पे आप च्वाइस भी लॉक कर पाओगे। अलॉटमेंट जो है वो आपको 25 जून को आएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 25 जून का आपका राउंड वन का अलॉटमेंट आएगा क्योंकि तब तक आपकी UPT की काउंसलिंग भी फुल फेज वे में स्टार्ट हो चुकी होगी और बहुत सारी पैरेलल काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी होंगी। तो हो सकता है एक टाइम पे आपको 2 जगह कॉलेज मिल जाए। अब आपके लिए ये सबसे बड़ा डिसीजन लेना होगा कि आपको हरियाणा के कॉलेज में जाना है या आपको यूपी के कॉलेज में जाना है, तो आप ये देख सकते हो। तो अलॉटमेंट जो होगा वो 25 जून को आपको आ जाएगा। फिर रिपोर्टिंग डेट मिलेगी 26 तारीख से लेकर के 1 जुलाई तक, ये आपकी रिपोर्टिंग डेट्स हैं होने वाली है, तो आपको रिपोर्टिंग करनी है इस डेट के बीच में, कॉलेज में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपके सबमिट होते हैं, वो भी आपको वहां पर वेरिफिकेशन, एक बार फिर से वेरिफिकेशन होता है, तो वो आपका प्रोसेस एट द एंड कराना है। जो सेकेंड राउंड है वो आपका जुलाई में स्टार्ट होगा, 2 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक, अगेन इसकी च्वाइस फिलिंग वगैरह होगी, रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। ज्यादातर काउंसलिंग में, सभी काउंसलिंग में लगभग 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू किया गया है, केवल एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, तो कोई भी रजिस्ट्रेशन डेट आप स्किप मत कर देना। अगर ये डेट निकल जाती है तो फिर आप आगे की किसी भी काउंसलिंग में, ऑनलाइन काउंसलिंग में तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मे भी हो सकता है कि स्पॉट राउंड में अलग से रजिस्ट्रेशन होता है तो स्पॉट में बच्चे बैठ पाएंगे, बट मेन आपके जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उनमें आप नहीं बैठ पाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि काउंसलिंग में आपको ध्यान रखनी है, और इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी काउंसलिंग्स के अपडेट हैं आपको जो यहाँ पे मिलने वाले हैं। रेस्ट कोई भी आपका पर्सनल इंक्वायरी है किसी भी कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड, तो आप हमारी टीम को भी रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।